देखिए, दो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपके पास हैं, दो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपके पास हैं शॉर्ट डायपोल के लिए, पहले उनकी बात कर लेते हैं. वी ऑल नो नाउ दैट इफ देयर इज अ शॉर्ट डायपोल जिसका पी इस तरह से है इन दिस अलोंग दिस, दिस इज द डायपोल मोमेंट. कितना होता है वो क्यू इंटू टू एल, दैट बिकॉज अ शॉर्ट डायपोल इस लाइन पे जिसको आप एक्सएल बोलते हैं, शॉर्ट डायपोल के लिए क्या रिजल्ट आपको मिलता है, जिसे वी गेट 2 kp/r³. एंड वॉट डू यू गेट फॉर दिस लाइन, दैट इज योर इक्विटोरियल लाइन और ब्रॉड साइड ऑन, यहाँ के लिए क्या रिजल्ट मिलता है, यू गेट -kp/r³. तो पहले इसका मीनिंग हमारे मन में क्लियर होना चाहिए. अगर पॉइंट यहाँ कहीं है तो नेचुरली फील कैसे होगी, पी के डायरेक्शन में होगी, राइट. लेकिन अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है एट ए डिस्टेंस आर, तो इसकी फील कैसे होगी, इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि पी किस डायरेक्शन में, ऐसे. ये क्या मिल रहा है आपको, -kp/r³. व्हाट दिस माइनस टेल्स यू, दैट द फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ -p. सो इफ दिस इज पी वेक्टर, -p विल बी इन दिस डायरेक्शन. दीज टू स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वी हैव प्रूव्ड इन लास्ट क्लासेस, राइट. नाउ टुडे अवर जॉब इज टू डू दिस. दिस इज माई शॉर्ट डायपोल, राइट. लेट अस से -q + q. इसका डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. लेट अस से दिस इज द डायपोल मोमेंट. फिर से इसका सेंटर इधर है O, एंड देर इज एन आर्बिट्री पॉइंट हियर लोकेटेड, दिस पॉइंट इज S, वेयर यू वॉन्ट द फील्ड ई एट S आपको निकालनी है. लेकिन ये जो पॉइंट है, दिस इज लोकेटेड एट एन एंगल थीटा एट अ डिस्टेंस R. That is why the heading at a point r theta. Distance from the center is r, but it is located at theta. If theta was zero, where the point will be? On the axial line. If theta was 90, where it will be? Equatorial line, right? Okay. This is your equatorial line as usual. Okay. Now, to begin with, I introduce you to two more lines. That is, this point, iska jo center hai, you extend this through the point of observation. Let us call this line as a radial line. And I am denoting a vector here, r cap. Now, pehle man mein clear ho jaye ki what is r cap. R cap is from the center of the dipole, point of observation, if you join and extend that line further, that line will be called radial line. In general, what is a radial line? Take any charge, और उस charge से जिस point पे आप field निकाल रहे हैं उसको जोड़ते हुए वो line को आगे बढ़ा दीजिए, वो line क्या कहलाती है, radial line. ये word बहुत use होगा 12th में, radially outward. Radially means starting from a point and going out. If you think about a sphere, you can take all the radius and extend those radius. So there will be many radial vectors directed along the radius, no matter which radius you're choosing, right? So this radial, now if this point is here, this is the radial. If the point was here, this is the radial. If the point was here, this is the radial. Okay. Now perpendicular to this, I want you to identify one more line. Let us call this line as transverse line. Let us denote a vector t cap here. Okay. तो ये तो मेरे पास थे, मेरे कौन कौन सी लाइन के वैक्टर थे, x cap, ये मतलब आपका एक्सियल एंड इक्विटोरियल, ये तो थे मेरे पास. लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि इस लाइन का नाम मैं रख रहा हूँ रेडियल और इस लाइन का नाम मैं रख रहा हूँ ट्रांसवर्स. ओके, राइट. कभी भी आप याद करिए, वेन एवर फोर्स वॉज गिवन टू यू एंड यू वॉन्टेड टू फाइंड आउट इट्स अफेक्ट ऑन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, वॉट यू यूज टू डू, यू यूज टू ब्रेक इट अप इन कॉम्पोनेंट्स, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा एंड डिजायर डायरेक्शन. सो वी स्टार्ट लाइक दिस. ये जो मेरे पास P है ना, इस P वेक्टर को मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ. आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस वेक्टर P अलॉन्ग टू डायरेक्शंस, वन अलॉन्ग हियर, एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट अलॉन्ग हियर. सो इफ दिस इज योर P वेक्टर, आई टेक द कंपोनेंट अलॉन्ग दिस लाइन, व्हाट डू आई गेट, P cos थीटा. सो आई गेट P cos थीटा इन विच डायरेक्शन, radial direction. So this will be P cos theta r cap. The second component of it will be directed how? Aap kahenge that will be directed along this line and that will be P sin theta. Kaun sa direction? Minus
टी क्या सो फार नो प्रॉब्लम ऑल दैट आई हैव डन इज दिस पी आई हैव रिजॉल्व अलोंग दिस लाइन एंड अलोंग दिस लाइन ओके राइट एंड वी प्रोसीड फ्रॉम हियर ये जो वेक्टर है पी कॉस थीटा इस पी कॉस थीटा वाले वेक्टर के लिए ये पॉइंट कौन सी लाइन पे है बस इसका जवाब दीजिए जस्ट लुक एट पी कॉस थीटा फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स थिंक अबाउट दिस पी कॉस थीटा एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है जिसका डायपोल मूवमेंट पी नहीं है पी कॉस थीटा है तो दिस पी कॉस थीटा इज डायरेक्टेड अलोंग लाइक दिस अ पॉइंट इज हियर एस तो उसके लिए ये लाइन कौन सी लाइन है एक्सियल और एक्सियल लाइन पे रिजल्ट क्या होता है तो आपके पास एक फील्ड इधर होगी किसके कारण इस वाले के कारण वो कितनी होगी बताइए तो दैट विल बी टू के पी कॉस थीटा आर क्यू इन विच डायरेक्शन ओके नाउ लुक एट दिस फेलो पी साइन थीटा एंड डोंट लुक एट एनीथिंग एल्स इस पी साइन थीटा वाले डायपोल के लिए ये पॉइंट कहां है इक्वेटोरियल तो इसकी फील्ड कितनी बनेगी माइनस के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू पर वो माइनस आपको क्या बताएगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इसका डायपोल मोमेंट कैसे डायरेक्टेड है इस डायरेक्शन में तो इसकी फील्ड कैसे डायरेक्टेड होगी ऑपोजिट टू दिस वहां मैंने समझाया हुआ आप तो कहां जाएगी फील्ड बताइए आप कहेंगे जी इसके अलॉन्ग एक फील्ड बनेगी इस तरह से जो होगी कितनी केपी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू तो ऑल इन ऑल इफ यू नोटिस यू हैव टू फील्ड्स एट दिस पॉइंट एस वन फील्ड पॉइंटिंग लाइक दिस इन आर कैप डायरेक्शन जो कितनी है टू केपी कॉस थीटा बाय आर क्यू एंड यू हैव अनदर फील्ड पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन विच इज 90 डिग्री टू दिस और ये फील्ड जो है टी कैप डायरेक्शन में दिस इज इक्वल टू केपी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू नाउ माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज इफ यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर व्हाट इज द रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट दैट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड एंड हाउ डू यू गेट द डायरेक्शन 10 अल्फा राइट ओके So, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा आप कहेंगे सिंपल है दिस इज योर ई नेट एंड हाउ मच दैट विल बी इक्वल टू ई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस फेलो दैट इज टू के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब स्क्वायर राइट नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एट सम पॉइंट विद डिस्टेंस आर एंगल थीटा You will say that magnitude part will be equal to KP by R cube को तो सीधा बाहर लिखा जा सकता है root से यहाँ कितना बच जाएगा 4 cos square theta और यहाँ से क्या बचेगा sin square theta और cos square theta plus sin square theta कितना होता है 1 so your result will be 3 cos square theta plus 1 so this gives you what this gives you the magnitude part what will be the direction 10 alpha आप अल्फा इसके साथ ले लें This is your alpha. So what is the rule we use? 10 alpha. आप किसके साथ लिख रहे हो Radial के तो क्या आएगा Transverse upon radial. तो ये कितना हो जाएगा KP sin theta divided by R cube 2. कितना 2 KP cos theta divided by R cube. KP R cube, KP R cube can be cancelled and you get 10 alpha is equal to 1 by 2 10 theta. So the next result is 10 alpha is 1 by 2 10 theta. Now please try to appreciate this result. What it is trying to tell you? It is trying to tell you that if a point is located at a distance r from the center of dipole at some angle theta, then the magnitude of field is kp by r cube 3 cos square theta plus 1 and the angle that the net field makes with the radial line. Now this for me is the most important point. Angle alpha is not measured from axial line. It is not measured from the equatorial line. It is measured from the radial line. And what is radial line? Radial line is basically the line joining the center of the dipole to the point of observation.
If I am the center of the dipole and you are the point, then this line will be called radial. Or jo alpha aap measure karenge, that will be measured from this line. So its net field ka angle with the axis kitna hoga? Aap kahenge, that is simple. If this is alpha here, the net field which you get because of the two, then if this is identified as alpha, ye already aapko pata hai kitna hai theta, the total angle kitna hoga? Alpha plus theta. Very good numericals are made on this in competitions. They make very good numericals on this. Okay, but appreciate this. Now, last word. If theta was zero, you said, where will the point be? On axial line. What is cos zero equal to? 3 plus 1. 4 under root of that 2. 2 kp by r cube. Right? Now, the point with the center. तो वो point अभी theta equal to zero पे यहाँ था और यहाँ पे आप angle कितना बोल रहे हैं यहाँ से? 10 zero. ये भी कितना होगा? Zero. So alpha is zero. So the angle will be 0 degree. Right? It will be going along the axis. Now my point is, if theta was 90 degree, where will the point be? It will be here. First talk about magnitude. Cos zero is zero. One. Root 1 is 1, kp by r cube, right? Now, theta, kahan par ho gaya? Idhar. Now, the point is already here, right? And now you are doing what? 1090. 1090 is infinity. And 10 alpha equal to infinity, alpha is equal to 90 degree, right? If alpha is equal to 90 degree, 90 kahan se? Axial se nahi, radial se. To abhi yahan se aap 90 aur ghum jaiye. Where will you go? You will go in this direction, and that explains the minus sign, right? So this helps you how. कभी भी किसी भी angle पे आपसे मैं field पूछ लूँ आप, तो you are capable of giving me the answer. If I say a short dipole of dipole moment this much is placed in the space, find out the magnitude and the direction of electric field at a point 2 meter located at 45 degree. You will say, come on, no problem. We can substitute the values and get the answers. Right? And if the net field was directed 90 degree to the axis, if it was directed 90 degree to the axis in the J direction, hai na, agar ye J direction mein chali jati, toh you can make out few things. Agar main aapko theta de dun, koi angle, aur uske baad bolun ki net field jo hai, wo kahan chali gayi hai, that has gone 90 degree. Then you know one thing, ki 90 is given to you. So alpha plus theta has become equal to 90. So alpha has become equal to 90 minus theta. Usko use karke, you can make good numericals. Simple sa concept hai, simple si baat hai. Please try to appreciate this.